ये पेपर थोड़ा उठा दो, हो गया अनम्यूट। जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, जय हिंद और बहुत अच्छा वाला गुड मॉर्निंग। कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ऐसे मौके और पड़े और हमारी सेना फिर से अपने शौर्य का एक बर्निंग एग्जाम्पल खड़ा करे। मई 1999 में शुरू हुई ये कारगिल वॉर, जिसमें हमने स्थापित किए कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा वॉरफील्ड बनाया गया कारगिल द्रास बटालिक मशकोह, हमारे सेना की बहादुरी की अमिट दास्तानों से भरी जगह। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सारे बच्चों को जय हिंद। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, मेजर कल्चर क्लासेस, और आज मैं आपके बीच में आया हूँ यूपीएससी के द्वारा होने वाले सीएपीएफ के एग्जाम में आने वाले सेकंड पेपर, मतलब 200 नंबर की इंग्लिश के पेपर के टोटल समाधान के लिए। सारे बच्चों को जय हिंद। अजय कुमार मौर्य, मैं एमपी से हूँ, चलो बहुत बढ़िया बेटा। डीजे वाला भाई जय हिंद। अजय कुमार मौर्य जय हिंद। अरुण बालियान जय हिंद भैया। गुड नाइट नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट नहीं बाबू, गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सारे बच्चों को जय हिंद। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए, पता चले कि आप लोग आ चुके हैं। जो एमपी वाला भाई है उसको एमपी से जय हिंद। दिलीप कुमार देवमणि जय हिंद। कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अब से पहले सीपीएफ का एग्जाम दिया है, कमेंट बॉक्स में बताएं, एकदम तेजी से बताएं। और जितने बच्चे मौजूद हैं जल्दी जल्दी से जय हिंद लिखें। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सीएपीएफ एक ऐसा कंपटीशन है जिसकी इंग्लिश को लेकर इंटरनेट पर बेहद कम मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एग्जाम होता है। तो उसी मटेरियल को लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूं। सीएपीएफ का पेपर है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पोजिशन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस में इस पेपर का आयोजन किया जाता है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब से पहले सीएपीएफ का एग्जाम दिया है। स्ट्रॉन्गर राइडर लव फ्रॉम असम, थैंक यू बेटा, जय हिंद एंड लव टू असम आल्सो। दिलीप कुमार देवमणि जय हिंद। अजय कुमार मौर्य जय हिंद। आशुतोष कुमार पांडे, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं बेटा, कारगिल विजय दिवस की एनिवर्सरी है, एक सच्चे हिंदुस्तानी को इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट क्या मिलेगा। अक्षय कुमार जय हिंद बेटा। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब से पहले सीएपीएफ का एग्जाम कम से कम एक बार दिया है, कमेंट बॉक्स में तेजी से बताएं अपनी बात। आशुतोष कुमार पांडे मैंने ऑलरेडी बताया बेटा। अब से पहले सीएपीएफ का एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है, और जिन बच्चों ने सीएपीएफ का एग्जाम अब से पहले दिया है, इस 200 नंबर के सीएपीएफ के एग्जाम में क्या आपके सामने डिफिकल्टीज पेश आई हैं। हाँ जी, प्रियेश फिटनेस क्लब जय हिंद बेटा। मैं एकदम सूटेबल हूं, आप बताइए आप कैसे हैं। चलिए जी, पढ़ाई लिखाई पर आगे आते हैं, सीएपीएफ के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूपीएससी वर्ष में एक बार इस परीक्षा का आयोजन करवाती है, और ये असिस्टेंट कमांडेंट जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ हो गया, जितनी भी हमारे पास सीआईएसएफ हो गया, जितनी भी अर्ध सैन्य बल माने जाते हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हमारे पास हैं, उन सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए इंग्लिश के पेपर में डिफिकल्टी आती है। हाँ बेटा, इंग्लिश के पेपर में डिफिकल्टी ना आए इसी के लिए मैं आया हूँ प्रियेश। तो जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि पेपर में एक्चुअली आता क्या है बच्चों। देखो भैया, पेपर में आता क्या है, पेपर में सबसे पहले आएगा एक एसे लिखने के लिए, एक एसे से मतलब एसे का एक सवाल आता है, और जो फॉर्मेट इस समय चल रही है उसमें 20 नंबर के चार सवाल आते हैं। ये एसे आपको लिखने के लिए कहा जाता है।
विकल्प दो होते हैं, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और यही ऐसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ओनली, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तभी आपसे ये बात पूछ ली जाएगी कि आपको ऐसे भैया अपना हिंदी में लिखना है या आपको ऐसे अपना अंग्रेजी में लिखना है। इनमें से किसी भी भाषा में आप अपना ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको टॉपिक दिए गए हैं, आपको इनमें से किन्हीं चार टॉपिक्स पर अपना एस्से लिखना होता है। जो टॉपिक दिए गए हैं ये कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, ये मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद मिशन चंद्रयान 3, फिर बी वर्क फ्रॉम बून, ये आपके एस्से हो गए। एस्से के बाद दूसरी चीज़ जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी वो होगा काउंटर आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट जो आपके पास होगा, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द ईच ऑफ द टॉपिक, ये आपको टॉपिक के फेवर में भी लिखना पड़ेगा, टॉपिक के अगेंस्ट भी लिखना पड़ेगा। टोटल चार प्रकार की चीजें हो गई, दो टॉपिक हैं, फोर और अगेंस्ट में मिलाकर 20-20 नंबर के दो सवाल हो गए, 40 नंबर का हो गया। जैसे टॉपिक यहां दिया है, इलेक्शन इन द स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली विद द इलेक्शन हेल्ड एट सेंटर। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये दो टॉपिक हैं, इनके लिए फॉर द टॉपिक, मतलब फॉर द टॉपिक और अगेंस्ट द टॉपिक आपको आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं। ये आर्ग्यूमेंट की वर्ड लिमिट आमतौर पर होती है 75 वर्ड्स। कितनी होती है भैया? 75 वर्ड्स। तो 75 शब्दों में आपको ये सारी डिटेल देनी होती है। उसके बाद इसके आगे अगर हम चलते हैं और तीसरे क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग अबाउट 200 वर्ड्स, लगभग 200 शब्दों में रिपोर्ट राइटिंग का काम आता है। रिपोर्ट राइटिंग के लिए जैसे दो टॉपिक आपको दिए हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग से मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर शहर के कोई पर्टिकुलर नागरिक हैं, अब दिल्ली के आप कोई सिटीजन हैं और दिल्ली में जो टॉपिक है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्राइसिस इन दिल्ली, कि जो दिल्ली बच्चों, आई एम बैक। बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, लेकिन अभिजीत सर तन मन धन से लगे हैं, टेक्निकल इश्यूज नहीं आने देंगे, इंटरनेट का लोचा नहीं आएगा। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जो बच्चे देरी से आए उनको देरी से जय हिंद। अब जो भी बच्चे इस समय मेरे साथ पोर्टल पर जुड़े हुए हैं वो थोड़ा तेजी से बताएं, कितने बच्चों ने अब से पहले CAPF का एग्जाम लिया है? अभिनव त्रिपाठी बेटा, अब से पहले आपने CPF का एग्जाम कितनी बार दिया है? प्रियांशु फिटनेस क्लब, इंग्लिश में डिफिकल्टी आती है बेटा, बिल्कुल आएगी, इसीलिए हम आए हैं कि इंग्लिश में डिफिकल्टी ना आए। तो बताइए, सारे बच्चे बताइए, किस किस बच्चे ने अब से पहले CAPF का एग्जाम दिया है और कितनी बार दिया है, थोड़ा तेजी से रेस्पॉन्स कीजिए। अभिनव त्रिपाठी बेटा, नाम लेने में कुछ नहीं रखा, नाम के आगे की जो चीजें हैं उन पर ध्यान दो। तो भैया, मैंने आपको बताया रिपोर्ट राइटिंग, तो आपको उस खुद को उस शहर का नागरिक मानते हुए एक रिपोर्ट लिखनी होती है, रिपोर्ट में कुछ कुछ करना होता है, ठीक भैया। फिर उसके बाद आपके पास लिखने के लिए आती है प्रेसिस, क्या लिखने के लिए आएगी बच्चों? प्रेसिस आपके पास लिखने के लिए आएगी, प्रेसिस, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अटेम्प्ट प्रेसिस, आपके पास प्रेसिस लिखने के लिए आएगी। प्रेसिस का मतलब होता है सारांश, प्रेसिस का क्या मतलब होता है? सारांश, प्रेसिस मतलब सार लेखन, तो सारांश लिखने के लिए शब्द प्रेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, सारांश। अब यहां पर क्या होता है, कोई एक लंबा आर्टिकल जब आपको दिया जाता है तो उस लंबे आर्टिकल को शॉर्ट में कंक्लूड करने के लिए, जैसे 100 शब्दों में कोई आर्टिकल आपको दे दिया, प्रेसिस लिखने का मतलब यह हुआ कि आपको उसे 33 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली 1/3 का यह कायदा होता है, और 1/3 में अभिनव त्रिपाठी ने दो बार दिया है, और ये अभिषेक पहली बार देंगे, अभिनव ने दो बार दिया है। हाँ अभिनव, नाम ले लिया बेटा। और किसी बच्चे ने आपसे पहले एग्जाम नहीं दिया है, सब फ्रेशर हैं। तो मैं आपको बता रहा था सार लेखन, सारांश आपको लिखना होता है, 100 शब्दों के मैटर को आपको 33 शब्दों में करना होता है, 1/3 का मोटा मोटा कायदा होता है। यदि 1/3 में आप सारांश को अपना कंप्लीट कर लेते हैं तब ये परफेक्ट कहा जाएगा। इसके बाद ये तो सारांश का एग्जाम्पल हो गया, इसके एग्जाम्पल के बाद एक अब चीज जो आपके सामने आ रही है यह है भैया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन।
और ये हूबहू ऐसा कॉम्प्रिहेंशन होता है जैसा कक्षा 10 और कक्षा 12 में आप सोल्व करते आते हैं अनसीन पैसेज। क्या सोल्व करते आते हैं भैया? अनसीन पैसेज कक्षा 10 और कक्षा 12 के। अनसीन पैसेज मतलब अपठित गद्यांश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आर्टिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद ये कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आपको लिखना पड़ेगा। अगले प्रकार का क्वेश्चन, अगले प्रकार के क्वेश्चन में आपको मिलेगा सेंटेंस को रीराइट करने के लिए एज डायरेक्टेड। मतलब जैसे ऊपर वाला सेंटेंस आपको दे दिया कि द फ्लर्स राना गेव टू मीना हैव वाइदर्ड, इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस प्रकार के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को। तो मतलब आपको एक एक, क्योंकि ये कुछ छोटे सवाल मिलेंगे जिसमें आपको सेंटेंस को एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे यहां पर, ये एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन ग्रामर पर आधारित होते हैं जिन्हें आपको चेंज करना होता है। भैया ये वही क्वेश्चन चल रहे हैं उसके एग्जाम्पल, और इसके बाद अभिजीत सर, अभिजीत बच्चों, अंतिम बात जो हम लोग बात कर रहे थे, अभिजीत इसको बड़ा करना है। हाँ जी, तो भैया रीराइटिंग वाला काम हमारे पास हो गया। जैसे यहां पर सेंटेंस दे दिया कि द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डेट ब्लैंक माइस, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अ प्रीपोजिशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब अंत में आपको मिलते हैं ये ग्रामर के कुछ क्वेश्चन। ये जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं ये भी रीराइट में ही आ जाएंगे। जैसे यहां पर ये रीराइट है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए या कंजंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए, यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल और प्रीपोजिशन, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको क्वेश्चन के रूप में मिल जाती हैं, आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन। ये हो गया आपका 200 नंबर का पूरा पेपर। अब इस 200 नंबर के पूरे पेपर में कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले वो बच्चे बताएं जिनको प्रेसिज राइटिंग में समस्या आती है, और कितने बच्चों को प्रेसिज राइटिंग करना आता है? अभिनव त्रिपाठी बेटा, प्रेसिज राइटिंग करना आता है आपको या उसमें समस्याएं पड़ती हैं? अभिषेक गहलोत, अभिनय त्रिपाठी, जितने भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं ये रेस्पॉन्स करें कि प्रेसिज राइटिंग में दिक्कत आती है या प्रेसिज राइटिंग आसानी से हो जाता है। अभिनव त्रिपाठी बेटा, कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों तेजी से रेस्पॉन्स करें कि प्रेसिज राइटिंग में किस किस बच्चे को दिक्कत आती है। चलिए हम आते हैं इस टॉपिक पर कि प्रेसिज राइटिंग हमारी होगी कैसे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उन क्वेश्चन में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है प्रेसिज लिखने के लिए। प्रेसिज का मतलब मैंने आपको बताया सारांश लिखने के लिए। अब सारांश लिखने में मैंने आपको बताया कि भाई 1/3 माने 33% पोर्शन में आपको सारांश लिखना पड़ेगा। ये सारांश लिखने का काम होगा कैसे? सारांश लिखने का मतलब क्या हुआ? आपको दो चीजों का यहां ध्यान रखना है। दो चीजों में सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो होगा रिपीटेड आइडिया। जिस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनमें से सबसे पहली चीज होगी रिपीटेड आइडिया। एक ऐसा विचार जो बार 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 रिपीट हो रहा है उसको आपको हटाना पड़ेगा,
उसको फिल्टर करना पड़ेगा। किसी भी पैराग्राफ को लिखते समय राइटर अपनी बात से ऑडियंस को, मतलब रीडर्स को कन्विंस करने के लिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक बात को तीन तरीके से कह देता है। अगर राइटर ने अपनी एक बात को तीन तरीके से कह दिया है, तब वहां पर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि राइटर की इन तीन बातों में से किसी एक बात को लेने से आपका काम हो जाएगा। उस एक बात को तीन तरीके से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी रिपीटेड आइडिया को रिपीट ना करें। दूसरा, प्रेसिज लिखते समय हमेशा प्रॉपर नाउंस को छोड़ा जा सकता है। प्रॉपर नाउंस मतलब वन ऑफ द साइंटिस्ट नेम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल डिस्कवर्ड टेलीफोन सेंटेंस है, तो सेंटेंस को आप सिंपली लिख देंगे टेलीफोन वॉज डिस्कवर्ड। आपको वन ऑफ द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को बेटर समझने के लिए अगर हम अपने पैराग्राफ पर आते हैं जो कि प्रेसिस के लिए हमको मिला है, तो उस प्रेसिस के लिए आते समय प्रेसिस, अब ये आर्टिकल आपको यहां से मिला, सेंटेंस देखिए, फॉर एनीवन लिविंग इन दिल्ली मार्च इज श्योरली द सीजन ऑफ द गॉड्स। ये पहला सेंटेंस है कि दिल्ली वालों के लिए जो मार्च का महीना होता है वो बड़ा खुशनुमा होता है, कि फ्रेश विंट्री ब्रीज, कि फ्रेश मतलब ताजा, विंट्री मतलब सर्दी का, ब्रीज माने हवा का झोंका, पेड़ों पर नई पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स जो है मेकिंग अ राइट ऑफ कलर, वो कलर का एक दंगा कर रहे होते हैं क्योंकि नई नई पत्तियां फूल होते हैं, वो अच्छे तरीके से खुशनुमा हो जाते हैं। ऑल दिस इवोक्स ग्रेटफुल सरप्राइज, ये सब कुछ एक बड़ा ही ग्रेटफुल महान आश्चर्य पैदा करता है। इन पॉपुलेंस यूज्ड टू डस्ट स्टॉर्म्स ऑन द वन हैंड ऑफ द पॉल्यूटेड विंटर इवनिंग्स ऑन द अदर। इन अ पॉपुलेंस यूज्ड टू डस्ट, उस जनसंख्या के लिए, उन लोगों के लिए जो आदि थे डस्ट के, तूफान के, ऑन द वन हैंड एक तरफ एंड पॉल्यूटेड विंटर इवनिंग्स ऑन द अदर, मतलब एक तरफ तो उनको प्रदूषण से भरी रातें मिलती थी, दूसरी तरफ उनको बड़ा धूल का तूफान मिल जाता था, मतलब आंधी मिल जाती थी, तो उन लोगों के लिए मार्च का महीना बड़ा खुशनुमा होता है। देखिए, राइटर ने यहां तक आने में एक्सप्लेन किया है केवल वहां के माहौल को, वहां के माहौल को एक्सप्लेन किया है। अब इतने को जब आप प्रेसिस में लिखेंगे तो आप केवल इतनी बात लिख देंगे कि भाई मार्च इज वेरी एंजॉइंग फॉर डेलाइट्स, मार्च इज वेरी एंजॉइंग फॉर डेलाइट्स, ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लीव्स कम एंड पीपल गेट रिड ऑफ, लोग छुटकारा पा जाते हैं, डस्ट स्टोन्स एंड द पॉल्यूटेड इवनिंग्स। मतलब 12-14 शब्दों में आप इन 3-4 लाइनों को मैनेज कर सकते हैं। 12-14 शब्दों में ये 3-4 लाइनें मैनेज हो जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ सकते हैं। तो भैया, इस तरीके से आपको प्रेसिस राइटिंग का काम मेंटेन करना होता है। यहां राइटर आगे भी वही कह रहा है, इट इज ऑल्सो टाइम फॉर बर्ड्स सिंस मैनी ट्रीज आर नॉट इन लीफ। तो ये चिड़ियाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है क्योंकि बहुत सारे जो ट्रीज होती हैं उन पर पत्तियां नहीं होती। द फिटिंग एंड डार्टिंग एंड पारोटिंग ऑफ स्मॉल शेप्स ऑफ सीम्स टू बी ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ की चीजें थोड़ा नएपन से भरी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से प्रेसिस में आपको ये ध्यान देना होता है बच्चों कि एक अच्छी प्रेसिस लिखने का सबसे पहला कायदा है कि आप 33% नपा तुला में आए। CAPF का एग्जाम देते समय होगा क्या कि आपके सामने जो UPSC आंसर शीट भेजती है, कॉपी भेजती है, उसमें बाकायदा बॉक्स बने रहते हैं, मतलब उसमें इस टाइप से कॉपी की लाइन होगी और कॉपी की लाइन में बाकायदा बॉक्सिंग हुई मिलेगी। इस प्रकार से बॉक्स आपको मिलेंगे। अब ये जो बॉक्स आपके मिल जाएंगे, यही बॉक्स आपकी काउंट किए जाएंगे, तो ये हर कीमत पर 33% ही होना चाहिए। तो भैया, 33% पर चलते चलते अब हम थोड़ा प्रेसिस के पहले आ जाते हैं
और प्रेसिस के पहले हम सबसे पहले सवाल मतलब एस्से पर आ जाते हैं। एस्से पर आने के लिए आपको ख्याल इस बात का रखना होगा कि हमारे पास जितने भी एस्से जिस किसी भी प्रकार के होते हैं, सारे एस्सेज में सबसे पहला जो महत्व होता है वो होता है एस्सेज में जो इम्पोर्टेंस होती है टेंस के रूप में, वो भैया होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का महत्व होता है। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये दोनों हमारे किसी भी एस्से में मोर देन 50% यूज होते हैं, मोर देन 50% यूज किए जाते हैं ये हमारे भैया किसी भी एस्से में। इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, अब जैसे यहां हमारे पास टॉपिक है मिशन चंद्रयान 3, तो जब मिशन चंद्रयान 3 पर आप जाएंगे तो मिशन चंद्रयान 3 में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो सब जाएंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बस ये है कि आप यहां जब चंद्रयान 2 की बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। चंद्रयान 2 की अगर बात करेंगे तो वो किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। यहां पर ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है ऐसे की स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्चुअली होती क्या है। किसी भी ऐसे को लिखते समय पहले 25% पोर्शन में आपको यूज करना चाहिए उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। चंद्रयान टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं तो पहले ये बताइए मिशन चंद्रयान था क्या, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही है, इसरो की इसमें क्या भूमिका है और वर्तमान में दुनिया के कौन कौन से देश इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं या इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में लगे हैं। अगले 50% पोर्शन पर आपको इसका देना होगा वर्णन, वर्णन का मत देना होगा डेस्क्रिप्शन और अंतिम 25% पोर्शन पे आपको देना होगा इसका कॉन्क्लूजन। क्या इसका देना होगा? कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष। अगले 25% पे आपको इसका कॉन्क्लूजन मतलब कि निष्कर्ष देना होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ जी। तो भैया ये जो कंक्लूजन डिस्क्रिप्टिव और इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं, इसमें से इंट्रोडक्शन देते समय जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है उसमें थोड़ा छोटे सेंटेंसेस का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे सेंटेंसेस का बच्चों? छोटे सेंटेंसेस का। लेकिन वहीं जब आप डिस्क्रिप्शन पर आ जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा बड़े का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। इंट्रोडक्शन में छोटे छोटे वाक्य, डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक भैया, जो भी कोई टॉपिक आपका होगा उस हर टॉपिक पर सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको वहां पर पेश करना होगा, देना होगा। अब इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद एस्से के सवाल हुए हमारे और एस्से के सवालों के बाद एस्से के क्वेश्चंस के बाद आर्ग्यूमेंट फॉर द टॉपिक अगेंस्ट द टॉपिक। फॉर द टॉपिक में आपको इस टॉपिक को सही साबित करना होता है। इलेक्शन जो है प्रदेश में वो आयोजित किए जाने चाहिए केंद्र के साथ। जब सेंटर के साथ आयोजित किए जाएंगे तो सेंटर के साथ आयोजित किए जाने के लिए वहां पर हमको एक ये काम बढ़ाना पड़ेगा कि हम इस टॉपिक को फॉर द टॉपिक लिखें तो उसको सही साबित करें, इस टॉपिक को सही साबित करें, और जब अगेंस्ट द टॉपिक लिखें तो इसको हम गलत साबित करें। ऑन द वन हैंड फॉर द टॉपिक लिखते समय हमको बेनिफिट्स काउंट करने पड़ेंगे कि भाई क्यों ये इलेक्शन साथ साथ होने चाहिए, और अगेंस्ट द टॉपिक जाते समय हमें लॉस काउंट करने पड़ेंगे कि इलेक्शन अगर साथ साथ काम करवा लिए तो उसमें ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी।
ये हमारे पास हो गया बच्चों आर्ग्यूमेंट। ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ केवल इंग्लिश में ही लिखना है। रिपोर्ट आप बचपन से लिखना जानते हैं तो उसमें बताने वाली कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये वही फॉर्मेट है जो 10वीं क्लास से आपके पास चलती है। यही इकलौती ऐसी चीज है CAPF के इंग्लिश के पेपर में जो थोड़ा पुरानी होती है और थोड़ा आसान होती है। उसके बाद प्रेसीज लिखना, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, सबसे पहले मैंने प्रेसीज के ही बारे में अपनी बात रखी। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 10वीं 12वीं क्लास से आप जानते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ की भाषा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आपको अपनी भाषा में चीजें आगे मेंशन करनी है। ये तो उसके आंसर थे। यहां ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला है द फ्लावर्स राणा गेव टू मीना है विदर्ड, कि जो फूल राणा ने मीना को दिए थे वो विदर्ड हो गए, वो फ्लावर्स विदर्ड हो गए। अब इस सेंटेंस को कहा गया है पैसिव बनाइए, तो पैसिव बन पाएगा केवल इतना, द फ्लावर्स अपनी जगह रहेगा, हैव विदर्ड अपनी जगह रहेगा। जो हैव विदर्ड है ये तो इनट्रांजिटिव वर्ब है, विदर्ड इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो उससे पैसिव वॉइस इसका बनेगा कि द फ्लावर्स मीना वॉज गिवन बाय राणा हैव विदर्ड, इतना बन जाएगा, बात आपकी खत्म हो जाएगी। अब जैसे अगला है कि द कुशंस डू नॉट मैच द काउच, पहला सेंटेंस, द कर्टेंस ऑल्सो डू नॉट मैच द काउच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। दोनों सेंटेंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, आप सिंपल सी बात बोल देंगे कि जी नाइदर द कुशंस नॉर द कर्टेंस, नाइदर द कुशंस और नॉर द कंटेंस मैच द काउच, सेंटेंस आपका खत्म हो जाएगा। ये एक एक नंबर के सवाल होते हैं, सॉलिड सवाल होते हैं, इनका थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यूजिंग अगला क्वेश्चन है आपके पास, राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। ये वर्ड मीनिंग के सवाल फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मतलब यहां पर चार वर्ड्स आपको दिए गए हैं, चार या पांच वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इनको आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है सो दैट उनका मीनिंग क्लियर सामने आ जाए। अब जैसे लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। जैसे द गवर्नमेंट हैज फॉर्मड अ कमेटी टू लुक आफ्टर द ताजमहल, सरकार ने कमेटी बना दी है ताजमहल की देखभाल करने के लिए, बस मीनिंग इनका पता हो उसके बाद इनको यूज करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये सेंटेंस है रीराइटिंग के लिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। ये गलत सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हैं, इनका सही सेंटेंस आपको बनाकर लिखना है। जैसा हेल्प मी टू ओपन द बोतल, कि ये बोतल खोलने में मेरी सहायता करिए, ये सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है तो इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में जब आप आएंगे 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ आर की जगह लग जाएगा इज। ये ग्रामर का ही सवाल है, तो ग्रामर के जो 15-20 नंबर आते हैं वो आपके CAPF के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं। तो भैया आप केस ये है बच्चों कि हम लोगों ने डिस्कस किया CAPF के पेपर की फॉर्मेट, CAPF का एक मॉडल पेपर और CAPF के विषय में ढेर सारी बातें। अब यदि इस मॉडल पेपर को PDF के रूप में आप पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारी टेक्निकल टीम आपको ये पेपर ईमेल कर देगी। आज के लिए इतना काफी है, जुड़े रहिए मेजर कल्चर क्लासेस के मेन चैनल से। इसी प्रकार के हर कंपटीशन के डिफरेंस से जुड़ी हुई हर परीक्षा का प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर मॉडल पेपर, प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए हमारे पास आइए मेजर कल्चर क्लासेस में। जय हिंद।